श्रुति फाउंडेशन के द्वारा दुर्ग में सुकन्या सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत पूरे छत्तीसगढ़ से अलग अलग क्षेत्र में नाम कमा चुकी महिलाओं को सम्मानित किया गया। बता दें कि कई वर्षों से श्रुति फाउंडेशन के द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन लगातार किया जाता रहा है। इसी कड़ी में 18 तारीख को भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ की 23 महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शहर के कई वरिष्ठ नागरिक विशेष रूप से शामिल रहे। कार्यक्रम के बारे में आयोजनकर्ता एवं उपस्थित सम्मानित महिलाओं ने मीडिया के समक्ष इस तरह की प्रतिक्रिया दी। ये जो आज हमने प्रदेश स्तरीय सुकन्या सम्मान समारोह का आयोजन किया है, इसकी तैयारी हम पिछले 2 महीने से कर रहे थे और इस तैयारी में हमने अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश के 5 संभाग से अलग अलग जिलों से बेटियों का चयन किया है, जो कि हमने सोशल मीडिया के माध्यम से चुना है और कुछ परिचितों के माध्यम से भी हमको जानकारी हुई। फिर हमने इनसे संपर्क किया, इनका पूरा डिटेल मंगाया और इस तरह हमने आज 23 बेटियों का सम्मान किया है, जो अलग अलग क्षेत्र में अपने हुनर को दिखा रही हैं। देखिए, क्या होता है कि जब हम समाज सेवा के क्षेत्र में उतरते हैं और साफ नीयत से जब हम काम करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको ये नहीं लगता कि हम ऐसा सोच रहे हैं। वो अंदर एक शक्ति होती है जिसे हम ईश्वरीय शक्ति कहते हैं, वो हमें ऐसा आभास दिलाती है कि आप कुछ इस तरीके के कार्य करिए जो समाज में एक प्रेरणा स्रोत बने। और इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि एक ही कार्यक्रम को करने के बजाय मैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को करूँ, ताकि लोग उससे प्रोत्साहित हों और वो भी आगे आकर ऐसे कार्यक्रमों को करें। मैं हमेशा सम्मान समारोह का आयोजन इसलिए करवाती हूँ क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रतिभा कभी सम्मान की मोहताज नहीं होती, लेकिन जब किसी की प्रतिभा को सम्मान स्वरूप आप पुरस्कृत करते हैं तो वो अपने आप में निखर जाती है और अपने आप में वो इतने अच्छे कार्य करती है कि वो कईयों के प्रेरणा स्रोत बन जाती है। इसलिए मैं हमेशा से यही कोशिश रहेगी कि जिस तरह मैंने दिव्यांग फैशन शो कराया, हमारी संस्था ने पूर्व फौजी सम्मान समारोह कराया और आज हमारी संस्था ने सुकन्या सम्मान समारोह कराया, इस तरह के मैं तमाम ऐसे आयोजन आगे भी करती रहूं। और आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि इस कार्यक्रम को जब मैं करने का विचार की तो मेरे मन में आया कि इसके लिए एक बेटी का नाम होना बहुत ज़रूरी है इस कार्यक्रम के लिए। तो मैंने कई नाम सोचे, लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो सुकन्या समृद्धि योजना चला रहे हैं, वो योजना बेटियों के लिए इतनी अच्छी है। उन्होंने जो बेटियों का लिंग अनुपात कम हो रहा था, उस लिंग अनुपात को रोकने के लिए उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की और उस अभियान के चलते उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना का चालू किया, ताकि लोग जो लिंग अनुपात है उसे कम ना करें, बेटियों को आगे आने दें, ताकि उनकी शादी का पढ़ाई का खर्चा पूरा वो उस योजना से लाभ ले सकते हैं। तो इसलिए मैंने मोदी जी से प्रेरित होकर सुकन्या नाम को अपने कार्यक्रम के लिए चुना। और आप सभी जानते हैं सुकन्या मतलब सुंदर कन्या, और सुंदर कन्या सिर्फ चेहरे से सुंदर नहीं होती, वो अपने कार्यों से सुंदर होती है, जिसका परिणाम आज आप लोग इस कार्यक्रम में देख रहे हैं।